तो अभी हम लोग रेस करके निकल रहे हैं। ये जल लोग पूरा, ये जल लोग अभी ये लोग निकलेगा। हम लोग ये हम लोग का सिंगर गाना बहुत अच्छा गाता है, एक दिन हम लोग को सुनाएगा इसका गाना। तो अभी हम लोग रेस करने जगह से निकलेगा सीधा बस्ती की ओर। हम लोग बस्ती में जाके डायरेक्ट रेस करेगा। तो चलो बस्ती की ओर। तो ये था रेस एरिया थोड़ा प्लेन पे, इसलिए हम लोग रेस किया। अभी फिर हम लोग चराई चरना है। अभी फिर चराई चर के गर्म होगा, फिर पसीना निकालेगा, मस्ती होगा अभी तो, और फिर एक्स्ट्रा से मस्ती होगा। चराई चरना तो आदत सा हो गया। हाँ ये देखो बाहर में भी थोड़ा दौड़ना है। हम लोग का गब्बर अच्छा गाना गाता है ना, हम लोग को जो सिंगर दिखाया था गाना अच्छा गाता है, एक दिन हम जरूर सुनाएंगे। तो कुल के छत्ता खोल के हम लोग को दिखाते हैं। मज़ा, फ्रेश फील है। हम लोग सोच रहा होगा शायद इतना बड़ा बड़ा जंगल में लकड़ी के बीच में इतना छोटा छोटा गच्ची कैसा, तो इसका खरा नाम बता देगा शायद आप लोग पता ही होता होगा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का वजह से एक्चुअली में ऐसा होता है, पहले तो ऐसे बड़ा बड़ा पेड़ जैसे आप लोग पीछे में दिखाई दे रहा है ऐसा बड़ा 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 पेड़ था, तो वो सबको काट के ज़मीन को क्लियर करके मतलब पूरा धान उगाया था। धान हम लोग का यहाँ धान नहीं उगा के तनियत तनियत बोल के होता है, उगाया जाता है। अगर बस्ती में होने से हम आप लोग को दिखाएगा तनियत को कैसा दिखता है। तो तनियत उगाया जाता है, तो तनियत उगा के हम लोग क्या करते हैं कि मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन में तो आप लोग को पता ही है एरिया क्लीन करता है, तो हम लोग इसको बर्न करता है एरिया को, फिर उसके बाद हम लोग दान इसला करता है, तनियत लगता है, उसके बाद तनियत को पूरा खत लेने का हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं। तो उसे छोड़ने का कारण ऐसा छोटा छोटा घास निकलता है, नहीं तो ये भी पहले में बहुत बड़ा गच्ची वाला जंगल था। वेट, हम लोग को कुछ दिखाते हैं। ये है, हाँ मजा है, व्यूज बहुत सुंदर है, वाह। बहुत चराई चरने का बाद ऐसे महसूस करने मिलेगा हम लोग को, नज़ारा कुछ अनबिलीवेबल है। ऐसा कुछ स्नो ऐसा कुछ नहीं, बस पहाड़ों में देख के मज़ा ले लेना कुछ। ये नज़ारा हम लोग देख सकते हैं, सुंदर है। और ये बस्ती रास्ता चराई है, चलो थोड़ा दौड़ लेते हैं। वहाँ नदी हम लोग को जूम करके दिखाता है, वो नदी है देख सकते हैं, वो एरिया नदी है। और ये जो पत्ता है, ये पत्ता जो थोड़ा तान रहता है, बहुत तान होता है तोड़ने से, तरक ऐसा कुछ आवाज करके साउंड देता है। तो ये पत्ता से हम लोग क्या करते हैं, जब चराई चरते हैं ये पत्ता से हम लोग पसीना को पोंछते हैं, पसीना को निकालते हैं। ये पत्ता और ये लत्ती जो ये भी खाने का चीज़ है, ये जो देख रहे हैं ना इसको भी हम लोग खाते हैं, ये पत्ता को भी खाते हैं, मीठा रहता है खाने में, टेस्टी है। अभी हम लोग को खा के दिखाते हैं कैसे होता है। तो हम ये खाने के लिए पत्ता तोड़ा था और ये लकड़ी लकड़ी और पत्ता तोड़ा था, तो इसको बहुत टेस्टी है, मीठा ऐसे छिड़ा के जो स्वीटनेस है जो मीठा है उसको हम लोग बस जीप में पील करता है और खा के फेंक देता है। और जो इसका लत्ती है इसको तो हम लोग पर्स है कट के तोड़ के निकालता है। अंदर का को खाता है। तो हम लोग को बताइए था कौन सा बस्ती जा रहा है, हम लोग फिर से आपको बता देते हैं। हम लोग फिर से हम लोग हीयो बस्ती जा रहा है, हीयो जो कि
पायुन सर्कल के अंदर आता है, सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हम लोग फाइनली बस्ती पहुंच ही गया, अब आप लोगों को दिखाएगा। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे कि आदमी लोग बहुत ऐसा करता है, मतलब कोई कोई एरिया में बुरी तो नहीं सुना है बोलता है, लेकिन हम लोग का फेस्टिवल को भी कोई मालूम नहीं। हम लोग बुरी आदमी लोग डोंगिन फेस्टिवल मनाता है जो कि 2 फरवरी में पड़ता है। हम लोग मतलब बुरी आदमी को इतना कॉमनली कोई एरिया में पता नहीं है, तो एक्चुअली में हम तो बुरी ट्राइब को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा है। मतलब हमारे जो बुरी ट्राइब है उसको आप लोग भी जाने, जैसे कि से तागिन आपातानी गलो बुखार ये सबको ज़्यादा लोग मालूम पड़ता है, पर हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। जैसे कि बुरी बोलने से ऐसा भी है क्या बोलता है, तो ऐसा नहीं होने के लिए मतलब हम बुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि आप लोग को भी हम बुरी का कल्चर, हम लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस, हम लोग का ट्रेडिशनल कैसे होता है वो सब आप लोग को अच्छे से बता सकने के लिए है। और अभी हम लोग फाइनली बस्ती पहुँच ही गया, तोरा है और जाना है। बीच बीच में मतलब मेरा बात इसलिए अटक रहा था कि सांस फूल गया ना, मतलब मेरा जो सांस है वो चढ़ाई चढ़ चढ़ के फूल गया, तो इसलिए मतलब वो अटकता है इधर उधर होता है, तो इसलिए आप लोग उस वो सबको नज़रअंदाज कर दीजिए। बाकी बस्ती लोग तो और दूर है, आप लोग को मैं और एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो मेरा ट्रेडिशनल है उसको मैं आप सबको दिखाऊंगा। एंड फाइनली हाँ, यह बस्ती ही देख सकता है घर, फिर पहुंचते ही घर दिखाई देना शुरू। ये बस्ती हमारा ही, ये बस्ती बोरी एरिया, घर तो कम है, पीछे और भी घर है। और यहाँ आते ही हमारा स्टार एनिमल बॉस पोंटेलिश मतलब मिथुन देख सकते हैं, मिथुन है। और ये मैं बस्ती में हाय दो बोलो अन्ना कुछ तो आप लोग शायद समझ में नहीं आया होगा, वो बोला है मतलब फोटो खींच रहे तो थोड़ा फ्रेश होने देना था, उसके बाद खींचना था बोला है। तो ये लोग पहुंच के पूरा रेडी कर लिया, रेडी कपड़ा चेंज कर रहा है। और ये दादाजी का घर, ये उस दिन घर नया बनाया है, तो जो पत्ता बेकार पड़ गया था उसको गिरा के इसी रखा है, घर एकदम नया बनाया है। और ये है बस्ती, ये दादाजी का घर। और वो पाइप बस्ती का पाइप, एक लोटा पाइप, यह सब कॉमनली यूज करता है। वो घर का, ये घर का और ये घर और कॉमनली यूज पाइप। हिरन का सिर है। और ये दादाजी का घर अंदर, ये आग जलाने जाएगा एक बस्ती में जरूर होता है। और ये दान कक्की रखा वाला, दान कक्की रखा वाला, ये दान कक्की रखा वाला है, आओ का दान कक्की रखा वाला, वो देख सकता है। तब तो कल ऐसे खाते हम लोग। इसके बाद यह गए का बाहर, मतलब जहाँ पानी उनी रखता है एरिया। और ये मुर्गी उर्गी पालने जाएगा, मतलब मुर्गी लोग को यहाँ में, ये एरिया में रखता है मुर्गी लोग को। और ये देख सकते हैं, ये यूनिक वाला चीज होगा,
शायद ये मतलब इसे गर्म पानी निकाल के मतलब हम लोग जो लोकली मसला आता है अफवाह वो बनाने के लिए यूज़ किया था, मतलब यहाँ से गर्म पानी निकाल के ऐसा डालता है, गर्म पानी के लिए काम आता है। और ये बस्ती का महाराजा और ये हमारे दादाजी का ये बर्तन ताली रखने वाला, देख सकता है ताली कुछ गिलास भरा हुआ है बट्टी है ना, और ये दाल और ये बेम्बू सूट बेम्बू ठेंगा और ये कुछ बर्तन वर्तन है, ये बर्तन जाक ये सब चीज काप ये सब रखा है। और यहाँ से ऐसा देख सकता है आप लोग, और वो जो एक्चुअली में दादाजी का मशीन जो राइस मिल है वो है, और ये सीढ़ी जो ऊपर में मतलब सामान रखता है हम लोग वो सब को लेने के लिए सीढ़ी बनाता है। और इसको तब लोगों को पहले भी देखा दिया, जब ये बादल बहुत अच्छे से क्लियर होता है तो नज़ारा बहुत सुंदर देखने लायक होता है, मतलब वो पहाड़ के बीचों बीच में एक पहाड़ होता है जिसमें पूरा क्लियरली बर्फ दिखाई देता है, और वो कुछ पोर्शन वो पहाड़ पोर्शन में भी कुछ बर्फ उर्फ दिखाई देता है। और ये रास्ता से चढ़ के ऊपर चढ़ने से वहाँ मेरा ग्राउंड, तो ये मेरा दादाजी तो ये एमएम खेल रहे हैं वो लकड़ी को मार रहे हैं तान पस होता बना ना आओ जोर जोर पस हम नहीं ना ओजी आते तो लकी ऐसे क्यों करता है आई। तो ये घर से बस्ती का नजारा कुछ ऐसा है। तो ऐसे कुछ नजारा, तो अभी फिलहाल बस्ती पहुंच गया और ये है मेरा दादाजी, आओ वो वीडियो मत वीडियो तो ये है मेरा दादाजी मतलब मेरे पिताजी का जो पिताजी वो है, और ये इसी का घर है। हम लोग तो यहाँ दान कर रहे हैं, हम लोग अब क्या करने आए हैं, हम लोगों को ला दूँ ना हम को ला दूँ, हम लोग दान खत्म आया है जो ये दादाजी लगाया था वो दान को हम लोग खत्म आया है, डोलू मजा दूंगा दो डोलू मजा दूंगा बस्ती बहुत मजा है बोल रहा है, मतलब बुद्धा बुद्धि लोग का तो आदत हो गया बस्ती में रहने का, बोलो आदत दुखो तो हम लोग का बस्ती में सब अच्छा है, आर्मी भी है सब चीज है हम लोग बस्ती में, आर्मी भी है हाँ आर्मी भी है फोन करना ला और हम लोग का कोई दिगदारी नहीं दिगदारी नहीं है कुछ भी नहीं, हम लोग का क्या फोन होगा उसे करेगा, हम लोग का मोबाइल का दरकार नहीं, मोबाइल दरकार नहीं है पर फोन करेगा हाँ उधर से फोन करेगा बस अभी हम आप भाई हम आप अभी दादाजी के साथ ऐसे बैठ के बातचीत कर रहा है, ओपू सिंह का है अपा ओपू सिंह का है आया है लोग माँ बच्चू का आया है ये बच्चू ओपू सिंह का मिलने को हेलो तो एक्चुअली मैं ओपू इसके देखा था ना, मैं तो वो भी देखेगा बोल के उसको बता रहा है वीडियो के बाद में वो भी देखेगा बोल के ओपू सिंह का लाया बलक पास का बलक का तीनों कुछ कल यूट्यूब लो ले रहा हूँ ओपो काला है अभी ये सब पीछे में पूरा हिरन का तक एक तो पोंक का भाई सीधा सीधा हिरन
वो सब हिरन का मत्ता है, दादाजी का मारा वाला, ये सब देख सकते हैं। ये हिरन का, हिरन का मत्ता है ये सब, ये सब पूरा हिरन का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वहाँ एक है 7, तो फिर 7 और ये मछली मारने का। तनु अनु लगता भाई आओ क्या कहें मामूली एक बार वो सब मामूली पहले का जमाना मारा ना कौन जीत ये दादाजी का हिरन मारा ना पहले का मतलब हिरन मारा ना आपको ऐसे दीवार में जो सिंह ये स्टाइल के लिए थांग के रखता है मतलब बोले तो मर्द का निशानी जैसे कि पहले का जमाना में जो मर्द होता है वो लोग जंगल जाके शिकार उखार करता था तो शिकार उखार करके जो जानवर मिलता था उसका सिंह जो से दीवार में तान देता था। ये सब एक्चुअली में बस्ती में मर्द का निशानी होता है। अतुल तो दादाजी बोल रहे मतलब फोटो में हैंडसम दिखता है, बिना फोटो फोटो में नहीं होने से बहुत घटिया दिखता है, बोलो पतला पतला होता है। सर कलर तो भाई सच के हैंडसम दिखता है क्या फोटो में? अरे लाइक दो ना, ये बहुत ही आना पिक मार है, मतलब बदन बहुत पतला है पर फोटो में बहुत हैंडसम दिखता है, बोला दादाजी जो तारीफ तो क्या है। कापो याद हो भाई फोटो लो देखो तने जो हम लोग का बुरी का फूट है, बुरी तो हम लोग का तनियत का फूट होता है, तो उसको भी आप लोग को दिखाएगा। तो आओ पहले से दादाजी पहले से ध्यान से देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बोल के तनियत का दूंगा तो तोलेंगे तनियत अरे मैं क्या है तो तनियत कितनी थोड़ा दूर है बोला है ऐसे, पर करीब सामने लोग में मिलने से आप लोग को दिखाएगा और दिखाने का कोशिश ज़रूर करेगा। तो मतलब जो थाने थे वो हम लोग का पहले का जमाना में हम लोग उसको खाना जैसे खाता था, तो अभी भी खाने में खाता है पर अभी ज़्यादा खाने वाला नहीं है, इसलिए थाने खेती भी करने वाला ज़्यादा नहीं है, तो आओ के साथ ऐसे बैठ के बात करने मजा है, मतलब कुछ कुछ पूछना जैसे जमाना का चीज़ पूछने लगा है। तो हम लोग जब कल दान करने जाएगा तो आप लोग को दान करने जगह में मिलते हैं, मतलब तो आज के लिए ब्लॉग को यही पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं सीधा आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट डे में। सो कीप एंजॉयिंग, स्टे सेफ।